हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अनोखी यात्रा। हमारा टूर चल रहा है चित्तौड़गढ़ फोर्ट का। चित्तौड़गढ़ फोर्ट बहुत बड़ा है और उसमें देखने लायक चीज़ें बहुत सारी है। और अभी हम आए हैं कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ एक बहुत बड़ा स्तंभ है, बहुत ऊंचा स्तंभ है, जिसकी बहुत सारी मंजिलें हैं ऊपर तक। तो उसको हम अभी एक्सपोज करेंगे, तो ले चलते हैं आपको। ये है कीर्ति स्तंभ। अभी हम आए हैं कीर्ति स्तंभ। टूरिस्ट बहुत ज़्यादा संख्या में हैं यहाँ पर, और बहुत सारा ये लिखा हुआ है विजय स्तंभ। बहुत ही सुंदर है और हज़ारों की संख्या में यहाँ पर मूर्तियाँ बनी हुई है ऊपर देवी देवताओं की। एक बहुत ही शानदार नज़ारा है यहाँ का। ये अगर मैं इसकी हिस्ट्री आपको मैं बताऊँ तो ये बनाया था महाराणा कुंभ ने 1448 ईस्वी में बना था। ये 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ था मालवा की, गुजरात और मालवा की सेनाओं के मध्य। तो इसमें विजय की उपलक्ष में महाराणा कुंभ ने ये विजय स्तंभ बनवाया था। उसकी विजय की याद में ये विजय स्तंभ बना हुआ है। तो बहुत ही सुंदर है विजय स्तंभ है ये। हम ऊपर चल के आपको इसका व्यू दिखाते हैं। तो ले चलते हैं आपको सीढ़ियों से ऊपर। ये है इनकी सीढ़ियाँ और बहुत ही ऊपर, बहुत ही ऊंचा। ये है विजय स्तंभ। एक विजय की याद में ये बना है विजय स्तंभ। और यहाँ पर भी वो एक नीच हरकत उसकी की हुई है मुगल आक्रमणकारी की, जो आप देख सकते हो। इसने ऊपर तक ही मूर्तियों को नहीं छोड़ा, उनको भी तोड़ दिया। और ये है इसका एंटर गेट। यहाँ पर ये बंद कर रखा है इन्होंने, ऊपर नहीं जाने देते। बहुत ही सुंदर ये बना हुआ है, जाली झरोखों से निर्मित है और हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर ये मूर्तियाँ बनी हुई है। और एक एंगल की बात करें तो बहुत ही एक परफेक्ट एंगल में बना हुआ है ये। देखो परफेक्ट, इतना कि हर चीज़ बारीकी से, हर बाल जितनी भी किसी चीज़ में जगह नहीं है, उतनी ही स्टिकता से बनाया हुआ है ये। चारों तरफ से मैंने आपको इसका व्यू दिखा दिया है। ये बहुत ऊंचा है, 9 मंजिला है ये। और यहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई है। और साइड में भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने के लिए। आगे भी है, ये जो आप देख रहे हो ये जो गुंबद बता रही है, यहाँ पर बताते हैं लोग और हम पढ़ते भी हैं कि जब वो आक्रमणकारी आया था अलाउद्दीन खिलजी, तो उसने क्या है कि जो भी मंदिर थे, मंदिरों की जो मूर्तियाँ हैं उसने तोड़ दी थी। और जो मंदिरों के ऊपर के जो गुंबद थे ना, वो भी उसने ध्वस्त कर दिए थे। मंदिरों को तो कुछ को नहीं तोड़ा उसने, जो मंदिर के ऊपर का जो गुंबद थे ना, वो उसने एक को भी नहीं छोड़ा। जैसे ये मंदिर है तो इसके ऊपर का गुंबद नहीं है, ये मंदिर तो फिर भी ठीक पड़ा नीचे से, पर इसका गुंबद है जो उसने तोड़ दिया था। इसका भी मैं दिखाता हूँ ये क्या है। ये भी बहुत शानदार है, पत्थरों की ये कलाकारी, एक अद्भुत कलाकारी की हुई है, नायाब नमूना है ये। वाह, पर इसको तोड़ रखा है, इसको भी ये देखो आपने, इसको भी तोड़ दिया उसने। इतना सुंदर नज़ारा था, पर उसने ये भी नहीं छोड़ा, ये देखो तोड़ दिया। देखो ये है उसकी हकीकत कि वो जान तोड़ जो। ये था, ये उसने तोड़ दिया। कितनी प्यारा ये बना हुआ था, कितना सुंदर बना हुआ था, पर उसने ये तोड़ दिया। इसके अंदर कुछ नहीं छोड़ा उसने, ध्वस्त कर दिया इसको पूरा पूर्णतः। और आगे और ये बने हुए कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या क्या चीज़ है इसके, सब आप मैं आपको एक्सप्लोर करूँगा अभी अपने चलते। रास्ता थोड़ा दुर्गम है क्योंकि उसने तोड़ दिया था सब कुछ, स्टेप्स वगैरह। आगे चलते हैं अपने मंदिरों की। यहाँ पर तो बहुत बड़ी श्रृंखला है, बहुत सारी संख्या में मंदिर है, और इसको भी तोड़ रखा है उसने, पूरे चित्तौड़गढ़ का विनाश कर दिया था जो आप अभी देख रहे हो। एक कट्टर मुगल था वो आक्रमणकारी। इसके इसमें चलते हैं अपने, क्या है ये देखते हैं। ये है, ये एक गेट के जैसा बना हुआ है।
ये है गेट बना हुआ है ये इसका एंट्रेंस इन मंदिरों का। वो जो सामने आपको मंदिर दिखाई दे रहा है इसका ये है एंट्रेंस, इसको भी ध्वस्त कर रखा है। और जो सामने मंदिर है उस पर हम चलते हैं कि वो क्या है। एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी जो भी चीज़ें बनी हुई हैं उनमें महाराणा कुंभा का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि महाराणा कुंभा एक स्थापत्य कला में एक बहुत फेमस नाम है। स्थापत्य कला राजस्थान में बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है, दुर्गों का निर्माण, मंदिरों का निर्माण उसने बहुत बड़ी संख्या में करवाया था। ये देखो बहुत कटिंग पत्थरों की इतनी शानदार और बारीक तरीके से की हुई है जो आज के ज़माने में नामुमकिन है। इस पे लिखा हुआ है समाधीश्वर मंदिर, शिव को समर्पित है ये मंदिर। इसका निर्माण बौराजा बोस द्वारा कराया गया था 11वीं शताब्दी में, मतलब इसको 1000 साल हो गए हैं बने हुए को। ये है परमा राजा बोस द्वारा निर्मित है शिव का मंदिर, समाधीश्वर मंदिर, जो हम अभी जा रहे हैं आपको दिखाने के लिए। ये सामने नंदी भगवान है, इधर ये बना है समाधीश्वर मंदिर। ये है भगवान शिव का जो कि आप अभी देख रहे हो, बहुत बारीकी से नक्काशी की हुई है यहाँ पर। और अंदर शायद एंट्री है या नहीं है इसका कोई पता नहीं है हमको, पर चलते हैं अपने अंदर। अच्छा ये उधर से है, यहाँ पर भी सेल्फी फोटो लेना मना है, कर रखा है इन्होंने, तो हम चलते हैं बाहर अभी। यह है समाधीश्वर मंदिर, मैं बाहर का व्यू आपको दिखा देता हूँ वापस, आगे का जो है व्यू वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है इसका आगे का व्यू, मेन एंट्रेंस जो आप अभी देख रहे हो। और ये है नंदी महाराज, सामने विराजमान है नंदी महाराज। इसका भी मुंह डैमेज कर दिया था पर अभी ये देखो आप इसको वापस से सही किया है। तो हर जगह उसने बर्बरता दिखाई थी उस समय। ये इधर महल बने हुए हैं और इधर है ये व्यू, ये है चित्तौड़ का व्यू। वाह, ये है चित्तौड़ का मेन व्यू, बहुत ही सुंदर। ये है यहाँ पर बना हुआ है तालाब और यहाँ पे ये है शिलालेख पड़ा हुआ है, क्या बहुत हजारी संख्या में यहाँ पे शिलालेख मिले हुए हैं उस समय के। ये है चित्तौड़गढ़ का व्यू, चित्रकूट पहाड़ी पे बना हुआ ये है चित्तौड़गढ़, मानमुर राजा चित्रांगन द्वारा बनाया हुआ 7वीं शताब्दी में। ये है इसका व्यू, टॉपेस्ट व्यू, और ऊपर बना हुआ है ये कुंभा मेला आपको दिखाई दे रहा है। और चारों तरफ परकोटा बना हुआ है, ये बीच में तालाब है, क्योंकि ये परकोटे के चारों तरफ पानी था उस समय कि कोई आक्रमणकारी इसको नुकसान ना पहुंचा सके। और पास में ये है समाधीश्वर महादेव मंदिर जो हमने देखा अभी। तो ये हमारा टूर रहा कीर्ति स्तंभ, प्रशस्ति और विजय स्तंभ, और ये चित्तौड़ का व्यू, और ये समाधीश्वर महादेव। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना। और चित्तौड़गढ़ में आपको पूरा विजिट करवा रहा हूँ, ये आपको कैसा लगा ये भी आप मुझे ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल में सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक थैंक यू।